बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी यादव पर पप्पू यादव का हमला, मुझे पूर्णिया से हराने की साजिश रची जा रही है, सोशल मीडिया पर दी जा रही है धमकी। ये पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया है, बिना राजा के शह के ये संभव नहीं है, हर वर्ग का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। पीएम साहब, सारा धन पशु, सारा पशु, सारा अपराधी का इस्तेमाल, तो अपराधी के द्वारा मारने की साजिश तक रच दिया। अब क्या, उन्होंने तो कहा कि मार देंगे घर ढुके सोशल साइट पर, वो तेजस्वी जी के राजा, छोटे राजा साहब के मंच पर थे, वो गाड़ी में चलते, और उन्होंने कल को किसने कहा, तो बिना अपने राजा के साहब पे तो बोला नहीं होगा। बिहार के पूर्णिया में तेजस्वी यादव के रोड शो के दौरान भारी बवाल मचा था। पप्पू यादव के समर्थन में नारेबाजी करते हुए कुछ लोग तेजस्वी यादव के काफिले के सामने आ गए और ये हंगामा पूर्णिया के आर्यन शाह चौराहे पर हुआ। पप्पू यादव के समर्थक पहले तो विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़क किनारे चुपचाप खड़े थे, लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव रोड शो करते हुए यहां पहुंचे तो पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त नारेबाजी शुरू कर दी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के काफिले को रोक दिया। हालांकि पप्पू यादव के समर्थक तेजस्वी की गाड़ी तक पहुंचते इससे पहले ही तेजस्वी के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाला और आगे बढ़कर पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं को रोक दिया, जिसके बाद दोनों आपस में भिड़ गए। तेजस्वी यादव के सामने पप्पू यादव के समर्थकों ने नारेबाजी की तो तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता भी शांत नहीं रहे और वहां हाथापाई की नौबत आ गई। क्योंकि एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने पूर्णिया की जनता से पप्पू यादव को वोट न देने की अपील की थी और इसीलिए पप्पू यादव के समर्थक और ज्यादा गुस्से में नजर आए आज। वहीं आरजेडी का आरोप है कि पप्पू यादव के समर्थकों ने बीमा भारती के रोड शो में लगी गाड़ियों को रोका और उन पर तोड़फोड़ की। हालांकि रोड शो के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है और बीमा भारती चुनाव जीत रही है। एकदम हम लोग हर जगह से आश्वस्त है, कोई दिक्कत कहीं नहीं है, जो हार में लोग बौखला चुके हैं। उधर मंगलवार रात 10 बजे हुए भारी हंगामे के बाद पप्पू यादव के सामने चुनाव लड़ रही आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती भी मीडिया के सामने आई और पप्पू यादव पर खुलेआम गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। पेपर में लपेट के और शीशा लपेट के वो फेंका वहाँ पर, पत्थर फेंका वहाँ पर नेता को, जो है कि हमारे जो राज्यसभा का सांसद है ऊपर भी लगा, चोट लगा, जो कि मनोज झा जी को। बिहार की पूर्णिया सीट पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले यहां मुकाबला दिलचस्प हो गया क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपनी प्रत्याशी की जीत से ज्यादा पप्पू यादव की हार पर दिलचस्पी दिखाई, इसीलिए वोटिंग से पहले पूर्णिया का दंगल हाई प्रोफाइल हो गया है। सीनियर